रेडी 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 एकदम रेडी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। जैसे कि अगर आपको टीएमसी प्रॉपर्टी लेनी हो महारेरा अप्रूव फ्रॉम उमरा स्टेशन टू शिलफाटा, तो आपको पेमेंट करना होगा 1% पेमेंट प्लान पे आप फ्लैट बाय कर सकते हो, जिसमें आपका डाउन पेमेंट एक होता है। डाउन पेमेंट देने के बाद एवरी मंथ का आप 1% पेमेंट प्लान पे फ्लैट खरीद सकते हो। हमारे जवान ने जैसे आपको बताया कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर संपर्क ना हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमारे मेंबर टीम मेंबर से या हमारे मैनेजर से मिलिए, बात करिए, इंशाल्लाह इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। मुमरा वासियों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, फायदे में रहोगे तो कायदे रहोगे, धन्यवाद। फायदे में रहोगे तो कायदे रहोगे, धन्यवाद। मैं तहे दिल से और हृदय से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि अभी आपने जो सुना कि मुमरा वासियों को संदेश दे रहे थे कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, दरअसल आप इन्होंने माफी मांग ली है। इनका नाम है जगदीश मिश्रा। बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 8 अक्टूबर को मुमरा शहर से शिव शौर्य यात्रा निकाली गई थी और उसी दौरान जगदीश मिश्रा बाबा जी पाटिल के पास यात्रा को रोककर स्वागत करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इन्हें हटा दिया। ये अलग बात है कि यात्रा 1 से 2 मिनट वहां रुकी, लेकिन इसके बाद जगदीश मिश्रा ने एक मीडिया चैनल पर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि मुमरा वासियों को संदेश है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जगदीश मिश्रा का ये बयान सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होने लगा और इस पर लोग आपत्ति भी जताने लगे। हालांकि इसी बीच फेसबुक पर तोहा मेमन नाम के फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो और सामने आई जिसमें जगदीश मिश्रा माफ़ी मांगते हुए नज़र आए हैं। दरअसल बताया जा रहा है वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि कल भी जगदीश मिश्रा के दुकान पर कुछ लोग गए थे लेकिन जगदीश मिश्रा नहीं मिले, और आज फिर जब उनके दुकान पर लोग पहुंचे तो जगदीश मिश्रा से मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई ये वीडियो में आगे है। आगे जब वीडियो बढ़ती है तो उसमें देखा जाता है कि जगदीश मिश्रा है और उनके साथ में एक शख्स और है। वो शख्स जगदीश मिश्रा से बातचीत करता है और जगदीश मिश्रा जो बयान दिए थे उस बयान को लेकर इस वीडियो में माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जगदीश मिश्रा ने बयान दिया था कि मुमरा वासियों को संदेश देता हूँ कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन अब उसी बयान को लेकर जगदीश मिश्रा माफ़ी मांगते हुए नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में अभी संडे के दिन में कुछ रैली निकली मुमरा में, तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो बंदा है मुमरा वालों को धमकी दे रहा है, मतलब धमकी समझ लीजिए, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, तो ये धमकी माने जाती है। तो वो हम लोग को कायदे में रखने के लिए आया था, हालांकि वो मुमरा का खाता है, मुमरा में जो मुसलमान है उनसे उसकी रोज़ी रोटी चलती है, उसका दुकान चलता है, तो वो हम लोग को कायदा सिखाने आ रहा है। कल हम लोग गए थे उसकी दुकान में मगर दुकान उसकी बंद थी। आज मेरा जो दोस्त है सादिक, तो उसकी दुकान में गया, उससे बात किया, उसकी सुस्ती दूर किए। आगे की क्लिप में मैं डाल रहा हूँ उसकी क्या सुस्ती दूर किए, क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में मैं डाल रहा हूँ, आप देखिए। तो आपके समाज को मुमरा के जितनी आवाम है जो भी बिल्कुल ऐसा किसी को दुख हुआ होगा तो मैं उस समाज को, उस परिवार को और पूरे मुमरा से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर किसी को ये शब्द बुरा लगा हो, बुरा लगा, मैं तहे दिल से और हृदय से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि ऐसा शब्द मैंने किसी भी मुमरा वासियों के लिए नहीं बोला है। ठीक है, ओके ओके।